नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लोग हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो डेटा एंट्री फ्रॉड के ही एक वीडियो में से था। फॉरेक्स सर्विस नाम से एक जो डेटा एंट्री कंपनी जो फ्रॉड कर रही है उसके बारे में था। अगर आप वही जानना चाहते हो फॉरेक्स सर्विसेज के बारे में, तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। और कोई भी सवाल रहे तो इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एयरलाइन जॉब्स के बारे में, और स्पेसिफिकली इंडिगो एयरलाइन जॉब्स के बारे में, जहाँ ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस पीरियड में किस तरीके से कुछ फ्रॉड एजेंसीज, कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंसीज किस तरीके से जो है लूट जो है चला रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ही फ्रॉड जॉब केस के बारे में। सूरत एयरपोर्ट में एक कैंडिडेट को जॉब दिया जाएगा ऐसा बता के एक फ्रॉड किया जाता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यही कह रहा था कि जिस तरीके से एक फेक कॉल आता है, सबसे पहले मैं केस में डायरेक्टली जाता हूँ, साथ ही जो है इस केस में जब आप आगे देखते रहोगे तो आपको जो है मैं प्रूफ भी दिखाता रहूंगा कि स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखाता रहूंगा क्या क्या हुआ उनके साथ। आपको भी ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, इस केस को स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो है एक फेक कॉल आएगा और वो आपको बताएगा कि आपका जो है एक टेलीफोनिक राउंड होगा इंटरव्यू का इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, और वो मैनेजरियल लेवल के कोई रहेंगे या सीनियर एचआर जो कॉल कर रहे होंगे, मतलब वो एक्ट कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं वही, मगर वो फ्रॉड है, फ्रॉड एजेंट या कंसल्टेंसी होते हैं। अब आप के माइंड में एक सवाल आएगा कि ये जो फेक कॉल मेरे को ही किस तरीके से आ रहा है। तो ये जो फेक कॉल्स आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे या फिर आपके मेल आईडी पे किस तरीके से मेल डायरेक्टली आ रहा है, ये जो ये होता है जब हम वेरियस जगहों पे अपना जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या कहीं भी पकड़ लीजिए आप जो है मेल अपना देते हो, उसी तरीके से जो है वो मेल जो है आपका जो मेल है वो थर्ड पार्टी के थ्रू सेल होता है और उसी के थ्रू कंसल्टेंसीज को मिलता है और फ्रॉड एजेंसीज को भी मिलता है, सिंपल बात। तो आगे बढ़ता हूँ, केस के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ मैं अपना जो है मैंने पूरा केस स्टडी भी किया है। तो ग्राउंड स्टाफ टेक्निकल जॉब की बात हुई थी, तो एक फेक कॉल आता है, तो उस फेक कॉल में बताया जाता है कि आपका जो है सीनियर लेवल बात करता है कि आपका जो है एचआर के थ्रू आपका जो है एक इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक राउंड रहेगा, और इसके लिए आपको जो है 2100 रुपीस पे करने पड़ेंगे। अब इसका नाम इन्होंने देके रख दिया कि कुछ टेलीफोनिक राउंड लिखा नहीं, डायरेक्टली उन्होंने लिखा जॉब सर्विस रिलेटेड, इसीलिए आपको जो है पेमेंट देना पड़ेगा। तो उसका एक इनवॉइस जनरेट हुआ, तो वो इनवॉइस आप पहले देख ले, और देखिए इसमें कहीं भी देखिए कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा। आगे आप देखिए, तो पहला आपने इनवॉइस कॉपी देख लिया, यहां पे कहीं भी देखिए कंपनी का नाम कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो ये पहला पॉइंट जो स्ट्राइक करने वाला है। उसके बाद जो है आप जो है पेमेंट देते थे, उन्होंने भी पेमेंट दिया, उस कैंडिडेट ने पेमेंट दिया। अब क्या है कि एचआर ने इंटरव्यू लिया, और ये इंटरव्यू इसी तरीके से होता है कि आप सिलेक्ट हो जाए, सिंपल बात, आप सिलेक्ट हो जाए। तो आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बताया जाता है यहाँ पे कि आपको एक ट्रेनिंग लेटर दे दिया जाता है। सेकंड है कि आपको ट्रेनिंग लेटर दे दिया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि सिक्योरिटी पर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए सिलेक्ट किया गया है, ग्राउंड टेक्निकल जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया है, सूरत एयरपोर्ट में किया गया इस केस में, और आपका जो सैलरी रहेगा वो 28,000 रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड 15 दिन का रहेगा, जहां आपको हाफ सैलरी दिया जाएगा यानी 14,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये भी आपको जो है इनवॉइस आगे देखने को मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए, इस चीज के लिए भी, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो है 7,950 का एक इनवॉइस बनाया गया, 7,950 रुपए का एक इनवॉइस बनाया गया, ये ट्रेनिंग सिक्योरिटी पर्पस का पेमेंट फीस। तो आगे बढ़े,
तो जिस कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ वो पे कर रहे थे एक के बाद एक, तो इसके बाद वरे तो सिलेक्शन हो गया, उनका पूरा पूरी ट्रेनिंग लेटर भी जैसे कि आ गया। अब क्या है, उनको यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे वो, और यूनिफॉर्म के लिए भी, यूनिफॉर्म के लिए भी पेमेंट एक फॉर्म उन्होंने दिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यूनिफॉर्म का ये जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यूनिफॉर्म के लिए भी पेमेंट देना पड़ेगा, जो है 13,900 रुपये, 13,900 फॉर यूनिफॉर्म, फॉर द ड्रेस कोड दैट यू वुड बी वेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द जॉब। तो इस तरीके से टोटल, तो कैंडिडेट ने क्या किया, 13,900 वाला दिया नहीं, वहीं पे उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो अगर कोई दे देता तो ऑब्वियसली इसके बाद एक के बाद एक जाल में फंस जाता और अल्टीमेटली जॉब तो नहीं मिलता, वो लोकेशन तक पहुंचते, कुछ कोई नहीं मिलता, वो फिर घूम के लौट के आ जाते। तो यहाँ पे जो जरूरी बात और एक बतानी है आप सबको वो रहेगा, फिर से मैं एक बार ही आपको ट्रेनिंग लेटर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको समझना है एक बहुत बढ़िया बात है कि अगर मैं समझता हूँ कि इंडिगो वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड कॉमर्शियल एयरलाइंस ऑफ इंडिया है, इंडिगो अगर देखा जाए, तो वहां से ट्रेनिंग लेटर जो आया है वहां का तो है ही नहीं। ट्रेनिंग लेटर में जब लिखते हैं वो, तो ट्रेनिंग लेटर में लिखते हैं द कंपनी इज डिसाइडेड योर मंथ सैलरी वुड बी दिस। ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं आप ट्रेनिंग लेटर। मैं आपको वो जगह लाल करके भी दिखा देता हूं। जहां पे वो ग्रामेटिकल एरर की, ऐसे जो एरर्स है ये कोई बड़ी कंपनी करेगी नहीं, ऐसे एरर्स वही जो है अनएजुकेटेड फ्रॉड लोग जो है वही कर सकते हैं, वही करेंगे ये सब। तो इन सब चीजों में यही बताना था कि ये जो आपको दिखा रहा था मैं, इससे यही बताना था कि कोई भी फेक कॉल आए उस पर डायरेक्टली विश्वास ना करे, पहली बात मैं। और हाँ, ये जो बात मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसके साथ ही मैं एक जगह जोड़ देना चाहता हूँ, वीडियो जोड़ना चाहता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करें, जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें, वो मैं छोटे तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए पहले। क्योंकि मेरे लैपटॉप में, और मैं आपको जेन्युइन में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इंडिगो में अप्लाई करना है। आपको लिखना है इंडिगो कैरियर्स, जैसा आप देख पा रहे हो, और सबसे पहला जो लिंक खुल रहा है careers.indigo.in, यही है वेबसाइट उनका। तो मैं खोलता हूँ और आपको जो है, आपको यहाँ नीचे जो है इंडिगो कैरियर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ, और ऊपर देखिए जॉब्स एट इंडिगो, यहाँ जॉब्स एट इंडिगो ये भी है। तो यही एक उपाय है जिस तरीके से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इंडिगो में। तो मैं अगर इसमें सर्च एंड अप्लाई मारूं तो अभी एक नया टैब खुल जा रहा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी नो ओपनिंग्स है, सॉरी नो ओपनिंग्स करेंटली, मगर यहाँ पे क्योंकि अब पेंडेमिक चल रहा है COVID-19, तो वो वैकेंसी दे नहीं रहा है अभी, मगर यहीं पे जो है आपके जो है वैकेंसीज आएंगे और यहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप पुराने मेरे वीडियोस भी देख सकते हो किस तरीके से इंडिगो में अप्लाई किया जाता है, तो आप जरूर देख लो। और यही एक वे आउट है जिस तरीके से आप इंडिगो में अप्लाई कर सकते हो। इंडिगो खुद कहती है कि किसी भी फेक चीज पे विश्वास ना करें, इंडिगो अपना इंटरव्यू खुद अरेंज करती है। ये देखिए नीचे लिखा ही हुआ है, कॉशन दैट जॉब ऑफर मे बी अ स्कैम, इंडिगो डज नॉट चार्ज एनी मनी फॉर इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट। ये जरूर ये चीज रीड मोर में मैं मारता हूं और ये पढ़ सकते हो। ये देखिए कॉशन, क्योंकि ये हो रहा है इसीलिए लिखा गया है कि इंडिगो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है एयरलाइन है। तो ये वाला जो लिंक है मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या क्या चीज है आपको देखना है कि फेक ऑफर्स में नहीं जाना है, किस तरीके की चीजें लिखते हैं, ये देखिए फेक ऑफर के सैंपल भी दिए हुए हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि क्या हमें फॉलो करना है, क्या हमें नहीं, हमसे हमें बच के रहना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन सब चीज से जो है हमें सावधान रहना है। तो होप आपने देख लिया होगा। तो इंडिगो के कैरियर सेक्शन में जाके ही आप अप्लाई करें, इंडिगो में, इंडिगो या फिर कोई भी एयरलाइन कंपनी हो, वहाँ जो है आपका इंटरव्यू देने के लिए ना कोई पैसे लगते हैं, इंटरव्यू आप आराम से देते हो, आप या तो सिलेक्ट होते हो या आप रिजेक्ट होते हो, सिंपल। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद भी आपका जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए भी आपको जो है स्टाइपेंड कंपनी देगी। स्टाइपेंड यानी आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और ट्रेनिंग आपका होगा उसी समय आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रोबेशन पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिक्रूटेड पोजीशन के लिए, तो उसके बाद जो है आपको मंथली सैलरी बेसिस पे रख दिया जाएगा। तो ये होता है जेन्युइन तरीके से, जो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो मैं यही आपसे आग्रह करूंगा, विनती भी मेरी यही रहेगी आप सबसे, ज़रूर देखें किस तरीके से ये फेक कॉल्स जब आए अच्छे तरीके से सुनिए। अगर कुछ पैसे मांगने की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे फेसबुक प्रोफाइल या फिर मेरे फेसबुक पेज के थ्रू, नीचे दिया हुआ है डिटेल्स आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब में कमेंट भी कर दे सकते हो डायरेक्टली कि मेरे को ऐसा कुछ आया है सर बताइए, या फिर मेरे को ऐसा कुछ आता है किशोर भैया बताइए। तो ये आपको हमेशा फॉलो करना है, देख के कीजिए, कुछ भी कर रहे हैं फेक कॉल्स और फेक मेल्स पे विश्वास ना करें। जैसे कि यहाँ पे जिस तरीके से लॉकडाउन के समय, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि ये जो लॉकडाउन के समय है इंडिगो भी कोई भी वैकेंसी इस तरीके से कोई भी वैकेंसी निकाल नहीं रही, पुराने वैकेंसीज अभी भी पड़े हुए हैं, पुराने चीज़ें अभी भी उनको जो है फुलफिल करने, उसके बाद नए वैकेंसीज आएंगे। तो उसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे जो है दिखाता रहूँगा कि इंडिगो के प्रेजेंट वैकेंसीज क्या क्या आएंगे, इंडिगो हो या फिर कोई भी एयरलाइन हो। और ये पहला केस था, और भी केसेस आएंगे दूसरे दूसरे एयरपोर्ट में हो रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट में तो नहीं हो रहा है, मतलब ये जो फ्रॉड एजेंसीज है हर जगहों पे कर रहे हैं ये सब, ये तो एक एक जगह पे कुछ दूसरे दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है हर तरीके से अपडेटेड रहना है कि किस तरीके से ये सब फ्रॉड चल रहा है और आपको किस तरीके से बच के रहना है। तो ज़रूर आप आगे भी जो है दो तीन और केसेस है ऐसे जिनको मैंने कलेक्ट किया, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इंडिगो में किस तरीके से जेन्युइनली अप्लाई करना है, उसी तरीके से अप्लाई करें, इन फेक फ्रॉड चीज़ों में मत जाए, विश्वास ना करें, एक कान से लीजिए एक कान से निकाल दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, आप जो है सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रहो, ये सब फ्रॉड चीज़ों से बच के रहो। तो आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।